हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई ऑफ एनी बोर्ड, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज लगभग हर जगह होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, मेड ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राइगोन एंड मेजरमेंट। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। मेजरमेंट, ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन। अब मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? ये तीन के तीनों क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का साइड्स, मेट्रॉन का मेजरमेंट। यानी जो तीन साइड्स का मेजरमेंट होगा वही हमारा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, यह सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल क्या हो? 90 हो। ठीक है, इस लेटे हुई साइड्स को बेस कहते हैं, इस खड़ी हुई साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस यानी शॉर्ट में हाइपो कहते हैं। यानी ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपो। ओके, तो यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है किस पर अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जाती है। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। हम लोग जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। क्लियर? तो चलिए, टॉपिक क्या है हमारे पास? हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टॉपिक क्या हमारे पास है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट होता है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल दिल लगा के देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा है बेस, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा है हाइपो, ये ए बी सी, और ये एंगल मान लीजिए क्या है? थीटा। ठीक है, तो पहले निकलता है क्या? परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो। दूसरा निकलता है बेस और हाइपो का रेशियो। तीसरा निकलता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है, इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। पहला रेशियो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या निकाला? परपेंडिकुलर और हाइपो का। दूसरा रेशियो क्या निकाला? बेस और हाइपो का। तीसरा क्या निकाला? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाला। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया साइन थीटा है ये, इसको कहा गया कॉस थीटा है ये, इसको कहा गया टैन थीटा है ये। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये तीन बने। ठीक है, कुल कितने रेशियोज बने? थ्री। थ्री हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेन है, लेकिन होते कितने? कुल सिक्स होते हैं। इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसेक थीटा, और वो रेसिप्रोकल यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। इसका जो होता है वो होता है, उसको कहते हैं सेक थीटा, वो होता है हाइपो अपॉन बेस। इसका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा। रिवर्स नहीं, रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से कुल अपने पास कुल कितने हैं? सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जन्म हुआ। ठीक है, कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए? सिक्स। इन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह से बने, इनका नामकरण हुआ, नेमिंग हुआ। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था वो हमारा बना, बनाया गया, लाया गया। किसके लिए? बहुत सारी चीजों के लिए, हम लोग जानेंगे बाद। अब यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है? cos थीटा। सो वी कैन राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो cosec थीटा है वो है 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आगे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा। cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है? वो है 1 अपॉन sec थीटा का। यानी यू कैन राइट sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा।
इसका अगला बंदा क्या है भाई, टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, वन अपॉन कॉट थीटा का। और इस तरह कॉट थीटा क्या है, वो टेन का रेसिप्रोकल है, यानी वन अपॉन टेन थीटा। रेसिप्रोकल यानी वन के अपॉन में लिखना होता है, ठीक है। तो इससे ही ये इसका भी जन्म हमने करवा लिया। ये जो है इसी का अलग फॉर्म है, अदर फॉर्म है, समझ में आया, क्लियर है। आगे चला जाए। अब बात ये उठती है कि भाई सर ने पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज कहाँ होगा? और जो बता दिए कहीं ना कहीं तो होगा, होगा होता ही होगा यूज। रियलिटी में इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज बहुत ही धड़ल्ले से फिजिक्स में होता है। कहाँ होता है? रियल वर्ल्ड में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जो भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक या जो भी चीजें हैं, वहां पे फिजिक्स है। और जो फिजिक्स है तो मैथ्स है, और जो मैथ्स है तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। यानी बहुत जगह इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। स्पेस साइंस में यूज होता है फॉर फर्दर कैलकुलेशन, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। वेक्टर कैलकुलेशन इसका यूज करते हैं, बहुत जगह करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज केमिस्ट्री में भी हम लोग कर सकते हैं, यानी लगभग हर एक डिपार्टमेंट पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता ही है। ओके, क्लियर है? तो यूजफुल तो है ही हमारे लाइफ में ये, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन जब आप स्पेस साइंस पढ़ने जाओगे तो यूज कर पाओगे। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो पढ़ पाओगे। जब आप नासा में रिसर्च करने जाओगे तो इसका यूजफुल यूज कर पाओगे। अभी तो खाली आपकी किताबों में रहेगा, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, फिजिक्स का यूज होगा, तो आप उसका असली एप्लीकेशन जान पाओगे, ठीक है, क्लियर है ना। हम लोग जानने वाले हैं कि जो भाई जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बढ़ा, उसका एब्रीविएशन क्या है, मतलब किन शब्द से, किन वर्ड से वो मिलकर बना हुआ है, उसका एब्रीविएशन जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका एब्रीविएशन भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एमसीक्यू में वन मार्क्स में आ सकता है ये, है ना, फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली। ओके, तो देख लीजिए, जो साइन था वो हमारा बना हुआ है साइन से, जो हमारा कॉस है वो बना हुआ है कोसाइन से, जो हमारा टेन था अभी आपने जो सीखा था वो बना है टेंजेंट से, ठीक है। और जो हमारा कोसेक था वो हमारा है बना हुआ कोसेकेंट से, जो हमारा कॉट है वो बना है कोटेंजेंट से, जो हमारा सेक है वो बना हुआ है सेकेंट से। तो इस तरह से ये इसका क्या है, एब्रेविएशंस, ठीक है, क्या है, एब्रेविएशंस है, जिसका यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, समझ आए ये? तो ये रहा इसका क्या, एब्रेविएशंस, क्लियर है कि नहीं। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, फॉर्मूला, ठीक है, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया गया होगा कि भैया जो साइन थीटा है वो है थ्री अपॉन फाइव, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक क्वेश्चन बता के फिर हम आगे अगले वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे। फिलहाल एक देख लीजिए, साइन थीटा क्या है भाई, थ्री अपॉन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, तो बाकी को निकालना है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, 3k मान लिया जाएगा, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, 5k। हमें अभी क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है बेस का, क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ओके, अगर आपको हाइपो निकालना होगा
तो क्या करते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ही है, पी निकालना होगा तो एच के स्क्वायर में से बी को माइनस करेंगे, और अगर बी निकालना होगा तो एच के स्क्वायर में से पी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, शॉर्ट में वही मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। एच का स्क्वायर यानी फाइव के का स्क्वायर कितना आएगा, पच्चीस के स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी थ्री के का स्क्वायर यानी नाइन के स्क्वायर, ओके, तो 25 से हो गया 16, 16 के स्क्वायर, रूट से बाहर आया तो क्या हुआ 4k, ठीक है, ओके। अभी हमें क्या चाहिए, साइन तो हमारे पास है, हमें कॉसेक चाहिए भाई, तो कॉसेक तो यूं ही आ जाएगा, 3/5 है तो 5/3 हो गया। अब चाहिए हमें क्या, कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या हमारे पास है, आया हुआ है 4k, हाइपो कितना है 5k, कट गया कितना आया 4/5, तो sec क्या हो जाएगा आपका 5/4। इसके बाद क्या बचता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपना 3k, बेस कितना है अपना 4k, k कैंसिल क्या आया 3/4। तो इस तरह से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है तो उसका अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी पूरा डिटेल एक्सरसाइज के साथ और भी एग्जांपल्स के साथ हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को एंजॉय कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं फिर।